मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। मैं बचाऊंगा, मुझे नहीं मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालो उसे। प्यारे दोस्तों, अभी आपने राजेश खन्ना की शानदार एक्टिंग आपने देखी है। दोस्तों, इनके जैसा स्टारडम किसी भी अभिनेता को अभी तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार जब रुकती थी तो लड़कियां उस कार को चूम लेती थी। दोस्तों, इन्हीं से जुड़ा 20 रोचक जानकारियां आपको देंगे इस वीडियो में। बस आपसे गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबरें ऐसे ही सुनने को मिलती रहती। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं और सुनाते हैं राजेश खन्ना से जुड़ी 20 रोचक जानकारियां। दोस्तों, पहली, जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है, कुछ इसी तरह काम 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था। वे नया हीरो खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे, जिसमें से एक थे राजेश खन्ना और अंत में राजेश खन्ना विजेता घोषित हुए। दूसरी, राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना है, अपने अंकल के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदला था। तीसरी बात, 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए थे। चौथी बात, फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था, और जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर हुआ करती थी, ऊपर आका नीचे काका। पांचवी बात, 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज के जमाने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित हुए। उन्हें अब उनके नजदीकी एक नजदीकी रिश्तेदार ने गोद लिया और बहुत ही लाड प्यार से उन्हें पाला था। छठी बात, राजेश खन्ना ने फिल्म में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगलर होने के बावजूद वो इतनी महंगी कार में निर्माताओं के यहाँ जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, सातवीं बात, प्रतियोगिता जीतते ही राजेश का संघर्ष खत्म हुआ। सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए जीपी सिप्पी ने साइन किया, जिसमें बबीता जैसी बड़ी स्टार के साथ उन्होंने काम किया। आठवीं बात, राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत है, जो 1966 में रिलीज हुई थी। नवी बात, 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया और लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हो गई। दसवीं, सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए विराजमान रहे, लेकिन यह माना जाता है कि वैसी लोकप्रियता किसी को भी हासिल नहीं हुई जो राजेश खन्ना को उस समय हासिल हुई थी। ग्यारहवीं, लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय हुआ करते थे। लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, उनकी फोटो से शादी कर ली, कुछ ने अपने हाथ या जांग पर राजेश खन्ना का नाम गुदवा लिया। कई लड़कियां उनका फोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थी। 12वीं बात, स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी और लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार को गुलाबी हो जाया करती थी। 13वीं बात, निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। वे मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन किया करते थे। 14वीं बात, पाइल्स के ऑपरेशन के लिए एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए ताकि मौका मिलते ही वे राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सके और उन्हें साइन कर सके। 15वीं बात, राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया और उनकी आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हुआ करते थे। 16वीं बात, राजेश खन्ना द्वारा पहने गए गुरु कुर्ते खूब प्रसिद्ध हुए और कई लोगों ने उनके जैसे कुर्ते पहने। 17वीं बात, आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने आय के नए रिकॉर्ड बनाए। 19वीं बात, आनंद फिल्म में राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है, जिसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई थी। 20वीं बात, वर्तमान दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान का कहना है कि राजेश ने अपने जमाने में जो लोकप्रियता हासिल की थी उसे कोई भी नहीं छू सकता। और दोस्तों, 18 जुलाई 1912 को काका ने अपने घर में अंतिम सांस ली। दोस्तों, ये थी राजेश खन्ना से जुड़ी 20 रोचक जानकारियां। ऐसे और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर प्लेटफॉर्म पे देखते तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।